सबको नमस्कार। लगभग पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, डेथ में काफ़ी कमी आ रही है और भी जितने रिकवरी रेट काफ़ी ठीक हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हमें स्थिति को ज़्यादा ख़राब नहीं होने देना। जैसे 17 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस 1200, 1300, 1400 इसके आसपास घूम रहे हैं। बीच में 1000 से भी कम भी हो गए थे, लेकिन अब 1200, 1300, 1400 के करीब घूम रहे हैं। और कल जो है शाम को जो रिपोर्ट जारी की गई, कल शाम को, वो परसों की रिपोर्ट थी, परसों के केसेस की, उसमें 1500 से ज़्यादा केस थे, 1544 केस थे कल वाली रिपोर्ट में। और आज शाम को जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो कि कल के केसेस हैं, उसमें 1693 केसेस हैं। तो थोड़े से केसेस बढ़े हैं, बाकी सभी पैरामीटर्स ठीक हैं। तो कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है ऐसा नहीं नज़र आ रहा। रिकवरी रेट दिल्ली में 90% से ज़्यादा है आज की डेट में। मौत के अगर आंकड़े देखें तो लगातार मौत दिल्ली में, जो कोरोना से मौत हो रही थी, उसमें लगातार कमी आ रही है। और केवल अगर अगस्त के आंकड़े देखें, केवल अगस्त के, तो डेथ रेट दिल्ली में 1.4% पहुँच गया है अगस्त के महीने में, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन है। और डेली बेसिस पे जो मौत हो रही हैं वो भी 20 से कम है, कई दिन तो 10 से भी कम है। उन्हें जीरो भी करना है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 100 से ज़्यादा मौत हो रही थी, आज 20 से कम है और कई बार 10 से भी कम मौत हो रही हैं। अस्पतालों के अंदर बेड्स अगर देखें तो आज सुबह तक 3700 के करीब बेड्स टोटल ऑक्यूपाइड थे, जिनमें 2900 के करीब बेड्स दिल्ली वालों के लिए थे, दिल्ली के लोग पेशेंट्स थे, और 800 के करीब दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स थे। तो अगर 2900 पेशेंट्स दिल्ली के थे तो पेशेंट्स की संख्या भी अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है। तो हम देखें तो मौत के आंकड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं, कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज अगर हम अस्पतालों के अंदर बेड्स देखें तो 14,130 बेड्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में, उनमें से 10,448 10,500 बेड खाली हैं। एम्बुलेंस की भी सफिशिएंट हमारे पास वो है, एक भी रिक्वेस्ट जो है एम्बुलेंस के लिए वो मना नहीं की जाती है। तो आज इसको मद्देनज़र रखते हुए कि थोड़े से जो केस बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, इसको डील करने के लिए आज हमने सुबह मीटिंग की थी, तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में टेस्ट्स की संख्या, जैसे दिल्ली में जो हमारी, हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट्स की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट्स लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं, इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट्स पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए। तो टेस्ट्स की संख्या एक तो डबल कर रहे हैं। दूसरा, एक थोड़ा सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से कि लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं,
लेकिन उनके कई सारे सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे, उनकी सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, और ऐसे कुछ मरीजों की कोरोना ठीक होने के बाद भी डेथ हो गई है, कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही अगर हम देख लें, सत्येंद्र जैन साहब, हालांकि वो ठीक होके घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनको काफी दिन लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो जो लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, उनको अगर सिम्टम्स हैं और ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ऑक्सीमीटर दे घर पे कुछ दिन के लिए और दे देंगे, और अगर ऑक्सीमीटर पे उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे वो घर पे ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार फ्री में कर देगी, ताकि उनको दोबारा घर पे वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि होम आइसोलेशन जो एक तरह से पूरे देश और पूरी दुनिया को दिल्ली की देन है, 14 जुलाई के बाद से आज तक होम आइसोलेशन में एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से होम आइसोलेशन चल रहा है। आज हमने ये भी आदेश दिए कि इसको एनफोर्समेंट को थोड़ा सा और सख्त किया जाना चाहिए। अगर कोई भी मास्क पहने हुए नहीं मिलता तो उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग मास्क पहन के निकलें, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें। पिछले कुछ दिनों से मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता में कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस आना सामाजिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन उस कॉन्फिडेंस की वजह से कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम अनदेखी ना करते जाएं। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, दिल्ली की जनता से, कि आप लोग मास्क जरूर जरूर पहन के रखें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों ने मिलके कोरोना पे कंट्रोल किया है, इसे अब किसी भी हालत में अपने को बढ़ने नहीं देना, और इसको लागू करने के लिए अगर आप नहीं करते तो ये आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो अगर पुलिस या अथॉरिटीज़ आके आपको जुर्माना करती हैं, तो बुरा मत मानिएगा, ये सबकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ लोगों ने अब सिम्टम होते हैं तो लगता है यार ठीक तो हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक तो हो ही जाएंगे। अच्छी बात है, ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं कराते, अगर आप टाइम पे टेस्ट नहीं कराते, तो आप पता नहीं कितने लोगों को और फैला देते हो। तो इसीलिए अपने को किसी भी, अगर ज़रा सा लगे कि मेरे को कोरोना हो सकता है, आप तुरंत जाके अपने सरकारी, कोई भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी में चले जाओ, फ्री में टेस्ट होते हैं, और अब तो हम टेस्ट की संख्या और भी डबल करने जा रहे हैं। तो आप तुरंत, अब इन दिनों में केसेस ऐसे आ रहे हैं जब एक एक फैमिली में सात सात लोगों को हो रहे हैं, आठ आठ लोग, तो पता चला क्यों? क्योंकि एक आदमी को हुआ, उसने 4 दिन टेस्ट ही नहीं कराया, उसे लगा यार कोई खास सिम्टम तो है नहीं। तो आप टेस्ट जरूर कराओ, खूब टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओगे पता चल जाएगा, आइसोलेट हो जाओ, अलग घर के, घर में अलग कमरे में रह जाओ थोड़े दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, सब लोग टेस्टिंग भी कराओ, और सब लोग मास्क भी पहनो, और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बहुत बहुत शुक्रिया।